Hey guys, what's up? I'm Togredits and welcome back to my channel. So guys, कैसे हो? Sorry, I hope आप सब बढ़िया होंगे. So guys, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्शन मूवी पोस्टर फोटो एडिटिंग. जैसे कि आपने टाइटल एंड थंबनेल देख के समझ ही होंगे कि वीडियो किसके ऊपर होने वाली. इसका जो कंसेप्ट होगा थोड़ा सा कुछ एक्शन टाइप में होगा. जैसे मैं बाइक के ऊपर बैठा हुआ कैप फेंका ऊपर, तो थोड़ा एक्शन में हो गया ना, तो इस तरह का थोड़ा एक्शन फोटो एडिटिंग होगी. एंड गाइस, जो भी मैं इसके अंदर बैकग्राउंड पीएनजी यूज करूंगा सबका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. गाइस, एक चीज और, अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, जो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, वहां पे काफी बड़े बड़े टिप्स एंड टिक्स एंड पोस्ट भी डालता रहता हूँ. एंड ये वाली पिक अगर आप किसी को चेक भी कर रहे हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकता है. सो अब चलिए चलते हैं वीडियो तरफ. तो गाइस, सबसे पहले आपको करना है, सबसे पहले आपको इस तरह के पोजिंग फोटो क्लिक कराना है, जैसे मैंने करा रखी है. ये मैटर नहीं करता आप किसी बाइक पे बैठो, आप कहीं बैठ के बस इस तरह के पोजिंग फोटो क्लिक कराना है कि आपका पीएनजी कट जाए, ठीक है. क्योंकि पिछली बार मैंने अपनी बाइक, मतलब ये जो बाइक के साथ मैं बैठा हूँ उस बाइक के साथ मैंने एडिटिंग करी थी, तो काफी लोग बोलने लगे तो फिर भाई हम बाइक कहाँ से लाए, हम बाइक पीएनजी कहाँ से लाए. तो इसका सोल्यूशन इस बार मैंने दे दिया. इस बार हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्री टूल्स में जाएंगे, फ्री क्रॉप में जाएंगे, सिर्फ हम अपना पीएनजी को क्रॉप करेंगे, ठीक है. अपना जो पीएनजी है हम उसको कट करेंगे, ओके. हमें बाइक के साथ नहीं लेना. सो आप भी ये कर लेना, सिर्फ अपने आपको कट कर लेना, कैसे भी पोज में फोटो पोज मार लेना, ये तो मेरा अलग है. आप कैसे भी एक्शन में मार सकते हो कोई भी तगड़ा सा पोज, ठीक है. सो इसको इरेज कर देते हैं हम. सो गाइस देखिए, इसका पीएनजी मैंने काट के निकाले, जैसे कि आपको दिख रहा होगा मैंने अपना काट का पीएनजी निकाल लिया. अब हम क्या सिंपली क्या करेंगे, ड्रॉ टूल पे जाना, अपने पीएनजी को ऐसे सेव कर लेना. अब गाइस एक चीज देख लो, आप मेरे नीचे कोई बाइक वाइक नहीं है, ठीक है. सो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ बैकग्राउंड लेना है, ठीक है. इस बैकग्राउंड के लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, फुल एचडी बैकग्राउंड है. सो गाइस, अब आपको ये करना है, ऐड फोटो पे जाना है, जो आप जिसके ऊपर आप बिठाओगे, मतलब जो बाइक है बीएमडब्ल्यू की बाइक, इसको यहाँ पे सेट करना है, ठीक है. अब आपको समझ आ ही गया होगा क्योंकि अब मैं इसका जो बाइक का पीएनजी यूज कर रहा हूँ, ठीक है. इससे क्या होगा गाइस कि आप सब लोग भी इस तरह के फोटो एडिटिंग कर सकते हो ये पीएनजी यूज करके सेम इसी मेथड से. सो आपको कोई लग्जरी बाइक में बैठने की जरूरत नहीं है, ठीक है. अब मैं यहाँ डन कर दूंगा. एंड गाइस एक चीज और, आप सोच रहे हो कि ब्लैक ब्लैक शैडो आ रहा है तो इससे क्या होगा, तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस शैडो आई अभी हाइड हो जाएगी जब अपने फोटोज पे ऐड करेंगे. सो जो हमने इरेज करी है उस फोटो को आप इसके ऊपर हमको सेट करना है. सो गाइस हो सके तो आप इसी पोज में फोटो क्लिक करा लेना, क्योंकि इस पोज में थोड़ा क्लिक कराओगे तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा एंड सेट भी हो जाएगा पीएनजी बाइक के ऊपर ऐसे आराम से. सो वो आपकी मर्जी, थोड़ा सा एक्शन में कैसे भी करा सकते हैं क्योंकि सबका पोज अलग होता है यार. इसको मैं ऐसे यहाँ पे सेट कर दूंगा फोटो को, ठीक है. एंड यहाँ से डन कर दूंगा, ठीक है. सो अब ऐसा लग रहा है कुछ जैसे हम बाइक के ऊपर बैठे हैं सिंपली. एंड इस शैडो पहले से बना रखी थी बाइक में, तो ढक गई एंड रियल लग रहा है उसकी वजह से. सो अब मैं क्या करूँगा गाइस, सबसे पहले ब्यूटी मोड पर जाऊँगा. ब्यूटी मोड पर जाने के बाद फेस स्ट्रिक्स पर जाके अपना पूरा फेस को स्मूथ कर लूँगा. सो ये स्किन मैंने स्मूथ कर लिया. अब मैं एक हेयर पीएनजी लगाऊंगा. सो गाइस बैकग्राउंड पीएनजी जितना भी हेयर पीएनजी वगैरह सब के लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके चेक कर लेना, डाउनलोड कर लेना आराम से. सो इसको मैं लगा दूंगा अपने सर के ऊपर, यहाँ पे लगा देता हूँ. एंड नीचे से हल्का हल्का से इरेज कर दूंगा ताकि फेक नहीं लगे. एंड यहाँ से डन कर दूंगा, ठीक है. सो ये हमारा बाइक का पीएनजी लग चुका है, एंड बैकग्राउंड लग चुका है, एंड अपना जो अपने मॉडल का पीएनजी लग चुका है. सो ये तीन लग चुके हैं. अब हमें थोड़ा सा फोटो के अंदर जो रियलिस्टिक लुक देना है, तो सबसे पहले मैं ऐड फोटो पे जाऊंगा, पार्टिकल से पीएनजी लगाऊंगा अपनी फोटो के अंदर. ये सॉरी डस्ट के पीएनजी लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है. इन पीएनजी को लगा देना ऐसे नीचे, इससे क्या होगा जो भी आपको पीछे का एरिया है वो सब हाइड हो जाएगा. जैसे कि आपको दिख रहा होगा, देखिए पहले सारा एरिया दिख रहा था, इससे फोटो में मजा नहीं आ रहा था, लेकिन हमने ये लगाया देख क्या मस्त लुक आ रहा है, मतलब रियल हो गया फोटो एकदम से. सो ऐड फोटो पे जाऊंगा. अब मैं पार्टिकल से पीएनजी ऐड करूंगा ब्लैक वाले. सो ब्लेंड पे जाना, स्क्रीन कर देना, एंड इसको भी नीचे नीचे साइड में ऐसे ऐड कर देना, ठीक है. सो इससे क्या होगा, हमारी फोटो में एक रियल लुक आएगा एंड ऐसे लगे रियलिस्टिक लुक आ जाता है इससे, बस ये होता है. सो ऐड फोटो पे जाना है. अब हमको कैप का पीएनजी ऐड करना है. ये हम कैप का पेन जो ऊपर ऐड करेंगे, अब कुछ ऐसा लुक आएगा जैसे कि हम अपने बैठे बैठे कैप को फेंक रहे हैं, तो काफ़ी ओसम लुक लगेगा. सो ये हमारी एडिट पूरी हो चुकी है. अब हम इसमें क्या करेंगे, बस छोटा सा एक लेंस फ्लेयर का पीएनजी मार देंगे. सो आपके पास तो होगा लेंस फ्लेयर, नहीं है तो डाउनलोड कर लेना आप भी. कहाँ गया, देखो मिल नहीं रहा इस टाइम, ये मिल गया. सो इसको ब्लेंड पर जाके स्क्रीन कर देना, एंड इसको साइड में ऐसे मार देंगे, ठीक है. जो हमारा लेंस फ्लेयर का पीएनजी, इसको साइड में ऐसे मार देंगे एंड ऐसे डन कर देंगे, ओके गाइस. सो अब हम इस फोटो को सेव कर लेंगे क्योंकि हमारे सारे पीएनजी वगैरह लग चुके हैं. अब सिंपली हम इसको सेव कर लेते हैं. अब हम इसको लाइट रूम में खोलेंगे. सो हम लाइट रूम खोल लेते हैं, ये हमारा लाइट ओपन हो गया. अब हम इसको लाइट रूम के अंदर ऐड कर लेंगे अपनी फोटो को.
सो गाइस ये हमारी फोटो ऐड हो चुकी है, अभी इसमें कलर ग्रेडिंग करेंगे बिल्कुल बढ़िया सी। तो ये क्या हो गया, सबसे पहले मैं इधर जाऊंगा, इसका हल्का सा एक्सपोजर बढ़ाऊंगा एंड कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाऊंगा, हाईलाइट को इंक्रीज कर देंगे, शैडो को बढ़ा देना हल्की सी, वाइट को एंड ब्लैक को कम कर देना ऐसे, ठीक है गाइस। सो अब मैं जाना नीचे टूल पे, यहां से हम सेलेक्ट करना है कस्टम, देन मिक्स टूल पे जाना है, इसकी ह्यू दिख रही है इसकी हल्की सी कम करना एंड इसकी ह्यू हल्की सी बढ़ा देना ऐसे, ठीक है ऐसे तक ऐसे डन कर देना, ठीक है गाइस। अब जो मैं टेम्परेचर है यार गाइस वो हमको येलो टोन में रखना है, तो हल्का सा बिल्कुल हल्का सा बढ़ाएंगे हम ऐसे, बिल्कुल हल्का सा बिल्कुल 4 पे एंड 4 की हल्की सेचुरेशन कम करेंगे एंड वाइब्रेंस को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। हम जाना नीचे वाले टूल पे, फोटो की क्लियरिटी को बढ़ाएंगे एंड जो विग्ने क्लियरिटी ज़्यादा बढ़ गई तो हल्का सा कम, विग्नोट को हल्का सा कम कर देंगे, ठीक है। सो नीचे वाले टूल पे जाना है हमको, फोटो की शार्पनेस को बढ़ाना है, फोटो की शार्पनेस बढ़ा लेंगे हम ऐसे एंड नोइज़ रिड्यूसर को बढ़ा लेंगे जिससे हमारी फोटो में स्मूथनेस आ जाएगी, शार्पनेस और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। सो हमारा सब कुछ हो चुका है, तो फोटो को हमें थोड़ा सा और स्मूथ करना है, इसके लिए हम कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा लेते हैं ऐसे, ठीक है। सो अब मैं आपको दिखाऊंगा इस पहले फोटो कैसी है, कैसी है ये देखिए, ओए हो जा, ये पिक्सआर्ट में कुछ इस तरह की फोटो थी लेकिन हमने लाइट रूम के अंदर थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग करी, हल्की फुल्की करी और ये पूरा फोटो के अंदर मजा आ गया एंड फोटो फुल HD में गाइस, देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, फोटो की क्वालिटी बिल्कुल नहीं फटी एंड काफी ऑसम लग रही है फोटो। सो अब आपको करना है 3 डॉट पे जाना, सेव टू डिवाइस, इस फोटो को अपनी HD में सेव कर लेना। आई होप आपको फोटो एडिटिंग पसंद आई, अगर आपको फोटो एडिटिंग पसंद आई तो जल्दी जल्दी जाओ इंस्टाग्राम पे एडिट करो, एडिट करने के बाद मुझे टैग करना, टैग एंड हैशटैग यूज कर लेना, तो अगर एडिट तो जल्दी जल्दी जाओ एडिट करो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, मैं आपको मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एडिटिंग करो, मौज करो, लव यू ऑल, बाय। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।